यहाँ तेईस पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग तीन चार दिन पहले हुई थी, जिसमें सभी पार्टी के प्रेसिडेंट्स मिले थे, जिसमें ये तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ईवीएम्स में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने लाएंगे। उस मीटिंग में जितने यहाँ लीडर हैं, इनके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी भी थे, एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार जी भी थे और बाकी जो तमाम लीडर यहाँ मौजूद हैं 23 पार्टीज के, ये सब उसमें मौजूद थे। उसमें सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि पिछले तीन चार साल से हम देख रहे हैं कि जब वोटिंग होती है तो ईवीएम मशीन पे जब बटन दबाते हैं, चाहे हाथ का बटन दबाएं, हाथी का बटन दबाएं या साइकिल का बटन दबाएं या कोई किसी दूसरे सिंबल का बटन दबाएं, तो वोट जो है वो बीजेपी को जाता है, वो फूल पे लगता है। और कई पोलिंग स्टेशंस पे झगड़े हुए, लड़ाई हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन या वहाँ जो भी अधिकारी होता है कमीशन की तरह, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ऐसा क्यों होता। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहते थे कि बैलेट का इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन तीन चार पहले जो मीटिंग हुई सब लीडरों की, उसमें ये तय हुआ कि कम समय होने की वजह से अभी हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को बैलेट सिस्टम हो। अभी जो ईवीएम सिस्टम है इसी में कितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो रिकमेंडेशन करें। तो रिकमेंडेशन जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी, वही रिकमेंडेशन लेकर आज जो हम दोनों सदनों में लीडर से अपनी अपनी पार्टी के, 23 पार्टी के, लोकसभा राज्यसभा वो पार्टी लीडर्स थे, उनके अलावा दो नए अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट्स भी थे, चंद्रबाबू नायडू जी और उमर अब्दुल्ला साहब, ये भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो हमने मांग की है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, तो इसमें 50% जो वोट है ऑफ 100% वो ईवीएम से में गिनना चाहिए और 50% वोट गिनना चाहिए जो पेपर ट्रायल है, उस पेपर ट्रायल को गिनना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे रखना चाहिए सुरक्षित इलेक्शन कमीशन को। तो आधे जब भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी सामने, उसमें 50% जो पोल है उनका काउंट किया जाए ईवीएम मशीन से और 50% वोट को या पोलिंग बूथ को काउंट किया जाए उनके पेपर से, ताकि बाद में टैली करेंगे कि 50% जो मशीन में काउंट किए गए उसमें कैंडिडेट आगे है या पीछे है, और जो पेपर काउंट किया गया 50% उसमें कैंडिडेट आगे पीछे है, ताकि टैली वहीं की वहीं हो जाएगी और इससे पता चलेगा कि मशीन ठीक है या ख़राब है। यही आज सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इलेक्शन कमीशन ने हमें ये विश्वास दिया कि उन्होंने कोई कमेटी बिठाई है इसको देखने के लिए, उसकी रिपोर्ट आएगी और इलेक्शन से पहले और उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिसाइड होना चाहिए, खाली टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल कमेटी तो कमरे में बैठकर टेक्निकल चीज़ जानती है, लेकिन फील्ड में कौन सी मशीन चलती है या नहीं चलती है,
किसका वोट दूसरी पार्टी को जाता है या नहीं जाता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही मालूम है, ये किसी भी टेक्निकल कमेटी को मालूम नहीं हो सकता। ये फील्ड का काम है, कमरे का काम नहीं है। मुझे पूरा, हम सबको पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमें इलेक्शन कमीशन पर, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर हमारा वोट जिसको हम चाहते हैं उसी को चला गया तो तब तो ठीक है, लेकिन हम एक मंशा से जाएं किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को ये वोट डालने के लिए और मशीन उसको दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पार्टी को दे, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ़ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ़ है।